जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, एक आतंकी का शव लेकर भी घुसपैठिए भागते दिखे। एक दो तीन चार। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं। अनवारुल्लाह काकर जब ये बात कर रहे थे तो GHQ में जनरलों का पेशाब निकल गया पतलून में। बड़ी खबर ये कि आतंकियों के घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना मदद कर रही थी, क्योंकि जंग लड़ने के काबिल ये हैं नहीं। पाकिस्तान भारत से जंग लड़ेगा दूर की बात है, तालिबान अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकता। तो पाकिस्तान की जो आर्मी और इंडिया की आर्मी को मैच तो नहीं है ना बिल्कुल। पूरी फौज को मोबिलाइज करके एक तरफ से और दूसरी तरफ से काट छान के पूरा साफ, ये बिल्कुल सर्वनाश पार्ट टू का ये बिल्कुल एप्ट और अप्रोप्रिएट। पाकिस्तान आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान से ही जंग लड़ ले। पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने भारत के आर्मी चीफ मनोज पांडे की ईमानदारी की तारीफ की है। होश करो, मैं कहता हूँ रवैये तब्दील करें। मैं मसलन एक बात करता हूँ, चपड़कनातियों को समझ नहीं आता। 300 जंग अनवारुल हक काकड़, तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम किसी से एक भी जंग कर लो। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करूंगा, एक साइड पे हमें बताया जाता है कि ISI पाकिस्तान की एजेंसी दुनिया की नंबर वन एजेंसी है, लेकिन दूसरी साइड पे अभी तक ये चीजें क्यों नहीं कंट्रोल की जा सकी। ये आवारा हुजूम है, हम दंदा कौम है, फलाना बिल्ली नगमे खा के अपहरा हुआ हुआ है, कख नहीं है पल्ले। पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर केयरटेकर अनवारुल हक काकड़ ने भी एक मुजफ्फराबाद POK गए थे और वहाँ की असेंबली में स्पीच की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत से कश्मीर के लिए 300 बार जंगे लड़नी पड़ी तो हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अनवारुल हक काकड़ जब ये बात कर रहे थे तो GHQ में जनरलों का पेशाब निकल गया पतलून में, क्योंकि जंग लड़ने के काबिल ये हैं नहीं। पाकिस्तान भारत से जंग लड़ेगा दूर की बात है, तालिबान अफगानिस्तान से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो अफगानिस्तान के तालिबान से ही जंग लड़ ले, तो ये बिल्कुल पाकिस्तान नहीं कर सकता। और 300 जंग अनवारुल हक काकड़, तुम लोगों की औकात नहीं है कि तुम किसी से एक भी जंग कर लो। तुम्हारी आर्मी सिर्फ सिविलियंस, वो भी अनआर्म सिविलियंस को मार सकती है, वरना आर्म्ड सिविलियंस बलोचिस्तान और KPK में इस वक्त तुम लोगों को तिगनी का नाच नचा रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान कश्मीर के मामले पे ड्रामे कर रहा है, और जिस हिसाब से भारत अग्रेसिवली कश्मीर की बात कर रहा है उस पे जनरल आसिम मुनीर अमरीका से मदद मांगने जा गए हैं कि अमरीका श्योरिटी दे के पाकिस्तान की और कश्मीर की सिक्योरिटी अमेरिका गारंटी करे। सर, पाकिस्तानी सेनेटर आजम सवाती ने इंडियन आर्मी चीफ की तारीफ की है मनोज पांडे की, और उनकी ईमानदारी की तारीफ करते हुए कहा है कि वो पाकिस्तान की आर्मी से उनकी आर्मी 7 गुना ज्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी मौशियत से वो ताल्लुक रखते हैं, उनके बाद ही पाकिस्तान से कई ज्यादा बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो असासे हैं उनकी कुल मालियत 29 लाख है। क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगा जी बिल्कुल ठीक तारीफ की है उन्होंने। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की जरूरत ही नहीं है उन्हें, वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, इससे ज्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। तो वो तो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। आजम सवाती ने ये सवाल किया है पाकिस्तानी सेनेटर ने कि हमने कमर जावेद बाजवा से ये सवाल क्यों नहीं किया कि उनके पास अरबों रुपए के असासे कहां से आए। देखें जी, आप उसे क्या सवाल कर सकते हैं, जब उन्होंने गन आपके रखी हो तो आप कोई सवाल नहीं कर सकते उनसे, आप क्या सवाल करेंगे। लोग डरते हैं, उनका डरना बनता है, वो हैं जी इस मुल्क के। सर, हम तो कहते हैं हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद, हम तो उनके सहारे ही अपने इस मुल्क में ही हिफ्ज़ो ईमान के साथ बैठे हुए हैं। देखें जी, एक इमेज बनाया हुआ था जो कि बना रहा अब तक के जो है हमारी आर्मी हमें डिफेंड कर रही है। मैं पाक आर्मी के अंदर उन लोगों की तो बात ही नहीं करता जो नीचे पोस्ट पे हैं, जो कैप्टन तक लेफ्टिनेंट तक हैं, उनका तो मसला नहीं है। इससे ऊपर जो रैंक है ना, वो तो टोटल करप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के बेस पे चल रहा है। वहाँ पे आके तो पाक आर्मी ने जितना इस मुल्क का तबाही की है ना, इतनी तो किसी ने भी नहीं की है ना।
तो मुझे तो अगर इस इकोनॉमिकल क्राइसिस जो फिलहाल चल रहे हैं अगर उससे निकलना भी है ना, तो ये आप जनरलों का पैसा ही सिर्फ इस मुल्क में लगा दें तो ये आपका कर्जा उतर जाएगा, इतना इन लोगों के पास पैसा है। सर आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ऐसी कंट्री है जिनके बजट का ज्यादातर हिस्सा डिफेंस पर लगता है, अब तो IMF ने भी हमें कह दिया है कि हम अपना डिफेंस बजट जो है वो कम करें। देखें जी, बजट डिफेंस पे लगा जाए ना, अगर उसकी आप सही तरह से उसकी ऑडिटिंग हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर इतना डिफेंस के लिए ज़रूरत है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम टैक्स दे देंगे ज़्यादा, कोई मसला नहीं है, आप बजट लगाएं उस पर। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन से पहले अटैक हो जाता है बॉर्डर के ऊपर, बजट बढ़ जाता है जी, बजट आने लगता है जी, हमला हो गया जी, वो जी एक जहाज़ आ गया जी, अच्छा जी हमारा रडार काम नहीं किया, मुझे समझ नहीं आती इतना बजट लेने के बाद रडार कौन सा लगाया, इन्हें पता नहीं लगता कि एरोप्लेन आ गया जी। तो ये बजटिंग पे जो लग रहा है ना वो तो सिर्फ नाम का लग रहा है, बाकी जो है तो वो देखें, एक 22वें स्केल का बंदा जॉब करके आइलैंड तो नहीं खरीद सकता बाहर जाके, और रुपए में कमा के कोई बंदा डॉलर में खर्च करे और इस तरह खर्च करे तो वो तो फिर खा ही रहा है सिर्फ। सर पहले हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अक्सर जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो है तारीफें करते थे, लेकिन अब हमारे पाकिस्तानी सेनेटर्स ने जो है इंडियन आर्मी की भी तारीफें करना शुरू कर दी हैं। अगर हमारे सियासतदान ये करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम के दिमागों पर क्या कॉन्सेप्ट बैठ रहा है? देखिए दिमागों में कॉन्सेप्ट, आपके दिमागों में कॉन्सेप्ट पहले ही बैठ जाना चाहिए, इंडिया आपसे बहुत बेहतर है, अब उनकी इकोनॉमी की बात कर लें बहुत बेहतर है, उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, उनकी पॉलिटिक्स आपसे बहुत बेहतर है, आपकी पॉलिटिक्स तो आर्मी चला रही है ना, मतलब आपका मुल्क आर्मी चला रही है, पॉलिटिशियन तो सिर्फ नाम के हैं, वो भी पैसा खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, उनकी जो कंट्री है वो पॉलिटिशियंस चला रहे हैं, तो आर्मी का इंटरफेरेंस नहीं है वहाँ पर, आर्मी का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा यहाँ पर फिर कुछ बात बनेगी। आर्मी अगर अपने देखें, एक अदारे को एक काम दिया जाता है ना, जिस तरह एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उसका काम है कि उसने एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, आर्मी का काम है डिफेंस, उसका पॉलिटिक्स के अंदर क्या काम है? वो क्यों बयान दे रहा है कि जी इमरान खान ने ये कर दिया, आपका क्या ताल्लुक है? आपका काम है बॉर्डर संभालो भाईजान, आप जो कोई जंग कोई ऐसा मसला हो तब जाओ, आपको कौन कह रहा है कि आपको ये DHA बनाओ यार, आपको किसने कहा कॉलोनी बनाओ,